हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। तो जैसा कि स्टूडेंट, हमने पिछले क्लास में लेक्चर वन में हमारे टॉपिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मींस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। तो वहां पे हमने टॉपिक मेटल कटिंग स्टार्ट किया था। तो स्टूडेंट, पहले लेक्चर में हमने आपको मटेरियल के बारे में बताया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बताया और फीड और डेप्थ ऑफ कट के बारे में बताया। तो उसमें देखिए, हमने आपको लेक्चर के नीचे आपको हमारे सब्जेक्ट का एक पीडीएफ मिल जाएगा, वो लिंक आपको हर लेक्चर के नीचे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। उसमें आपको कंप्लीट प्रोडक्शन की हैंड रिटन नोट्स होगी, हमारी हैंड रिटन नोट्स होगी, जिसमें आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और कोशिश करिएगा स्टूडेंट कि जब भी आप अगले लेक्चर को आप सुनने के लिए आइए या अगले लेक्चर को आप देखने के लिए आइए, तो उस लेक्चर से पहले आप उस टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ में जाकर थोड़ा सा लर्न कर लीजिए। तो उम्मीद रहेगी कि आपको लेक्चर ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और जैसा कि हमने कहा है कि आपको हर लेक्चर में हमारी कोशिश रहेगी कि आपको ऐसा लगे कि आप ऑफलाइन क्लासेस में बैठे हैं, आपको ये बिल्कुल ना लगे कि ऑनलाइन क्लासेस में बैठे हुए हैं। बस आप ये काम करिए कि हर लेक्चर में आप नोट्स और पेन जरूर लेकर बैठा करिए, जिससे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम बताते जाएं उसे आप अपनी एक नोट्स बनाते चलिए। तो इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन और आपकी नोट्स बेहतर तरीके से हो जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट, आज का टॉपिक लेक्चर नंबर 2 हम मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी या प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग पिछले लेक्चर में इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे। हमने बात किया था फीड, डेप्थ ऑफ कट और कटिंग स्पीड के बारे में। तो आज हम लोग चिप के बारे में बात करते हैं, चिप क्या होती है। तो चलिए, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा, वो चिप से स्टार्ट करते हैं। चिप का मतलब होता है, इसे हम छीलन बोलते हैं। छीलन का मतलब देखिए स्टूडेंट, जब हम कन्वेंशनल में मशीनिंग करते हैं, तो जैसे सपोज करिए कि ये हमारा वर्कपीस होता है और इस वर्कपीस पे सपोज करिए इतने मटेरियल को, यानी कि इस मटेरियल को रिमूव करना था, बाहर हटाना था, तो ये हमारे लिए अनवांटेड या स्क्रैप मटेरियल होगा। तो यहाँ से हम ऐसा एक टूल लगाएंगे और इसे जब टूल को हम फोर्स लगाकर आगे की ओर बढ़ाएंगे, तो ये मटेरियल इस डायरेक्शन में ऐसे आगे बढ़ेगा। इसी मटेरियल को हम क्या कहते हैं, चिप कहते हैं। तो चलिए, आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम इस चिप की थिकनेस के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर इस चिप की विड्थ के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इस चिप की लेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद इस चिप के टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस चिप की थिकनेस के बारे में। पहले आप देखिए, चिप होती क्या है। चिप एक फॉर्म है, क्या है, फॉर्म ऑफ स्क्रैप मटेरियल जो हमारा रिमूव हो रहा है। तो आप उसी चिप के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा चिप पे स्टार्ट होगा, वो हम स्टार्ट करेंगे चिप थिकनेस, है ना, जिसे हम बोलते हैं चिप की मोटाई, चिप की मोटाई। तो चलिए, अगर हम इसे टी से डिनोट करें तो उसके आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, चिप थिकनेस होती क्या है। तो इस टूल से इतनी डेप्थ ऑफ कट हमने लिया और इसको हमने काटना शुरू किया। तो ये जो चिप जा रही है, जब आप इसे 3D में देखेंगे तो ये चिप इस तरीके से ऐसे होगी 3D में, है ना। तो अब देखिए, यहाँ से इस मोटाई में चिप जाएगी और यहाँ से इस मोटाई में जाएगी। देखिए, यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से ऐसे, और यहाँ पे देखिए इस तरीके से ऐसे। तो इसी थिकनेस को, मतलब ये जो डेप्थ ऑफ कट आपको दिखाई दे रही है, जैसा पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था, ये हमारा डेप्थ ऑफ कट होता है। तो इसी डेप्थ ऑफ कट को हम क्या मान लें, चिप थिकनेस मान लें। तो आप ये आप सेम ना मानिएगा, अभी पहले ये समझिए कि ये डेप्थ ऑफ कट दिखाई दे रही, इसी के बराबर हमारा टूल है, तो ये चिप हो गई। अब ये कटने के पहले चिप की मोटाई अगर हम मान लें, है ना, तो जब ये चिप कट के जाएगी तो उसकी एक अलग थिकनेस होगी, अलग विड्थ होगी। तो ये क्या होता है हमारी, देखिए, चिप थिकनेस बेसिकली हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। पहला जो हमारा होता है वो होता है अनकट चिप थिकनेस। अनकट चिप थिकनेस को हम सिंपल सा अगर टी से डिनोट कर दें, यहाँ पे चिप को हटा दीजिए, सिंपल सा अनकट चिप थिकनेस को हम
टी से डिनोट कर दें, और दूसरा हमारा होता है कट चिप थिकनेस। तो स्टूडेंट देखिए, कट चिप थिकनेस को हम टी से डिनोट कर दें, टी फॉर थिकनेस, सी फॉर कट, और यहाँ टी फॉर चिप थिकनेस, कौन सी, कटने के पहले और कटने के बाद। अब देखिए, आप इस डायग्राम में देखिए, ऐसा देखिए, कटने के पहले इतनी थिकनेस की चिप को हमें काटना था, और कटने के बाद ये चिप थिकनेस हमारी मिल जा रही है। मतलब एक दूसरा 3D डायग्राम आपको दिखा दे रहे हैं। ऐसा देखिए, जब मटेरियल हमारा रिमूव होता है तो किस तरीके से होता है, देखिए इस तरीके से ये टूल होगा, और ये इस तरीके से चिप हमारी, ये चिप हो जाएगा, ये टूल हो जाएगा, ये वर्कपीस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाएं तो देखिए, सिंगल कट में इतनी गहराई हमारी ये टिक कट रहा है, और कटने के बाद इस चिप की थिकनेस हमारी इतनी हो जा रही है। जब इसे आप 3D में देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से वर्कपीस हमारा होगा, इस वर्कपीस की विड्थ भी होगी, इस चिप की भी विड्थ होगी, है ना। तो ये थिकनेस हमारी कटने के बाद, और ये थिकनेस हमारी कटने के पहले। तो चिप की थिकनेस दो तरीके से हमारी होती है, एक अनकट चिप थिकनेस और एक कट चिप थिकनेस, है ना। अब बात आती है कि क्या अनकट चिप थिकनेस और कट चिप थिकनेस दोनों सेम होती है, या अनकट चिप थिकनेस ज़्यादा होती है या कट चिप थिकनेस ज़्यादा होती है, क्योंकि ये पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो चलिए उसी पे हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिएगा, जब ये टूल इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, टूल इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, और ये चिप इस डायरेक्शन में जा रही होगी, चिप इस डायरेक्शन में जा रही होगी, तो देखिए टूल, चिप जो है इस टूल के इस फेस से होकर आगे की ओर बढ़ रही है, इस फेस से होकर आगे की ओर बढ़ रही है, और टूल इस डायरेक्शन में आगे जा रहा है। मतलब चिप और टूल के बीच में एक अपोजिट डायरेक्शन, जैसे देखिए टूल ऐसा जा रहा है और चिप ऐसी जा रही है, मतलब ऐसा दोनों जा रहे हैं। तो क्या करेगा, ये जो चिप आगे जाएगी और टूल इस तरफ जाएगा, तो दोनों के बीच में एक फ्रैक्शनल फोर्स जनरेट होगा, है ना, फ्रैक्शनल फोर्स जनरेट होगा, जिस वजह से ये चिप क्या होगी, कंप्रेस होती हुई आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी लेकिन कंप्रेस होते हुए आगे बढ़ेगी। और क्यों कंप्रेस होगी, ड्यू टू फ्रैक्शनल फोर्स बिटवीन चिप एंड टूल। तो अब देखिए, कोई चीज जब आप देखिए कंप्रेस होती हुई आगे बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली जब कंप्रेस होगी तो उसकी विड्थ क्या होगी, बढ़ जाएगी। ऐसे देखिए, सपोज करिए आप यहां से देखिए, ऐसे देखिए, सपोज करिए कि यही वर्क पीस था हमारा, इतने मटेरियल को रिमूव करना था, देखिए इतने मटेरियल को हमारे रिमूव करना था। अब ये मटेरियल जब रिमूव होके, सपोज करिए वो यहाँ पे गया, अब हमने देखा कि ये क्या हो रहा है, कंप्रेस होते हुए आगे बढ़ रहा है, और जब कंप्रेस होगा तो सीधी सी बात है, कोई भी कंप्रेस होता है तो उसकी विड्थ क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है, विड्थ या थिकनेस जो भी आप मान लीजिए, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि कटने के पहले ये जो थिकनेस थी ये कम होगी, और कटने के बाद ये जो थिकनेस आएगी टीसी, ये क्या होगी, ज़्यादा होगी, किससे ज़्यादा होगी, अनकट चिप थिकनेस से। तो यहाँ से स्पष्ट दिखाई दे रहा है, अनकट चिप थिकनेस इज ग्रेटर देन अनकट चिप थिकनेस। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, ऐसा देखिएगा, TC greater than T, मतलब ऐसा लिख सकते हैं, कट चिप थिकनेस इज ग्रेटर देन अनकट चिप थिकनेस, इस तरीके से यहां से हम लिख सकते हैं। तो अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये तो था हमारा टीसी ग्रेटर देन टी हो गया, ये चिप के हमारे थिकनेस के बारे में था। अब थोड़ा सा चिप के विड्थ के बारे में और चिप की लेंथ के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो गया विड्थ ऑफ
चिप, मतलब चिप की चौड़ाई, कौन सी चौड़ाई वो यहाँ पे देखिएगा। जैसे सपोज करिए ये डायग्राम हो गया हमारा, और यदि हम इस डायग्राम पे ऐसा देखें तो यहाँ से देखिए, देखिए ये वर्कपीस इतने डेप्थ ऑफ कट में करता हुआ जा रहा है, और विड्थ वो जो टूल हमारा, अगर वो टूल पूरा इतनी चौड़ाई का होगा तो एक बार में पूरा इतना काटता हुआ आगे बढ़ेगा, और एक बार में अगर इतना कटेगा तो चिप हमारी क्या होगी, ऐसे आगे बढ़ेगी। तो इसका मतलब उस चिप की विड्थ हमारी क्या हो जाएगी, यही हमारी हो जाएगी विड्थ ऑफ कट। तो एक चीज़ समझिएगा कि देखिए कंप्रेसिव फोर्स लगने की वजह से आप ये कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अक्सर तक एग्जाम में कन्फ्यूजन कर देते हैं लोग। देखिए ये ऐसी जो चिप जा रही है, जब इसको हम लोग इस तरीके से ऐसे देखेंगे तो ये जो हमारी ये जो चिप जाएगी, देखिए ये जो चिप जाएगी इसकी विड्थ हमारी यही होगी, इसी को हम W कहते हैं, इसी को W यानी कि विड्थ ऑफ कट, चिप हमारी ये हो गई। तो अब देखिए ये जो थिकनेस हमारी थी, इस थिकनेस की बात कर रहे थे T, और ये बात कर रहे थे TC। TC हमारा ग्रेटर हो रहा है लेकिन T हमारा कम हो रहा है, बट हमारे इस W पर ना W हमारा, देखिए ना विड्थ हमारी बढ़ेगी ना विड्थ हमारी घटेगी, जितने विड्थ का मटेरियल हम काट रहे हैं उतनी ही विड्थ का मटेरियल आगे बढ़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि कटने के पहले जो विड्थ थी, सपोज करिए कटने के पहले इस वर्कपीस की विड्थ हमारी क्या थी, ये थी, और इस तरीके से ये हमारा वर्कपीस हो गया। अब कटने के बाद ये हमारा हो गया चिप की विड्थ, ये हो गई। तो हम यहाँ से कह सकते हैं W इज इक्वल टू डब्लू सी, मतलब कट चिप थिकनेस इज इक्वल टू अनकट चिप, सॉरी विड्थ ऑफ, देखिए विड्थ ऑफ चिप, यहाँ से हम कह सकते हैं अनकट चिप विड्थ इज इक्वल टू कट चिप विड्थ। मतलब यहाँ से यदि हम अनकट चिप विड्थ को W से डिनोट करें और कट चिप विड्थ को WC से, तो ये हमारा हो जाएगा W इज इक्वल टू WC के हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ध्यान रखिएगा, कभी भी चिप की चौड़ाई कम ज़्यादा नहीं होती है, जितना कटने के पहले चिप की विड्थ रहेगी उतनी ही कटने के बाद चिप की विड्थ रहेगी, है ना। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। चलिए अब इनके थोड़ा सा लेंथ के बारे में देख लेते हैं, ये जो लेंथ जा रही है उसके बारे में देख लेते हैं, वो लेंथ हमारी कैसी होगी। तो देखिए यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा चिप लेंथ, यदि हम इसे ऐसे देखें चिप लेंथ, यह भी दो तरीके से होगा, पहला क्या होगा अनकट और दूसरा क्या होगा कट। देखें अनकट चिप लेंथ और यह हमारा क्या होगा कट चिप लेंथ। दोनों में देखें अनकट चिप लेंथ को अगर हम L से डिनोट कर दें और कट चिप लेंथ को अगर हम LC, L फॉर लेंथ C फॉर कट, कट चिप थिकनेस लेंथ और अनकट चिप थिकनेस लेंथ। तो यहाँ से देखिए आप सपोज करिए कि ये जो वर्कपीस हमारा था, जब इस वर्कपीस से इतने मटेरियल को हम काट के बाहर, मान लीजिए कि ये मटेरियल था और ये इतना बाहर आ गया, इतना बाहर आ गया, तो अब आप समझिएगा ये इसकी विड्थ थी, ये इसकी विड्थ थी, विड्थ तो हमारी क्या रहेगी कॉन्स्टेंट रहेगी, और ये हमारी क्या थी थिकनेस थी, अनकट थिकनेस कम रहेगी और कट थिकनेस ज़्यादा रहेगी। तो हमने आपको बताया था कट थिकनेस ये जो बढ़ रही है, ये बढ़ रही है TC, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि इसमें कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई हो रहा है, और जब कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई होगा तो सपोज करिए इतना लेंथ था तो क्या ये पूरा इतना लेंथ चिप मिलेगा, नो, क्यों, क्योंकि ये कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, तो इस वजह से कटने के बाद जो चिप की लंबाई, मान लीजिए कि ये थी लंबाई L और ये लंबाई हो गई LC, तो ये LC हमेशा क्या हो जाएगी इस L से कम मिलेगी, क्यों कम मिलेगी, क्योंकि ये कंप्रेस हो रहा है, जब इसकी विड्थ बढ़ेगी तो लेंथ ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, ऐसे देखिएगा यहां से L इज ग्रेटर देन LC, L इज ग्रेटर देन LC, मतलब कटने के पहले चिप की लंबाई हमेशा ज्यादा रहेगी कटने के बाद चिप की लंबाई के, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कोशिश करिए आप नोट्स पे नोट करते चला करिए साथ में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। एक देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है चिप थिकनेस रेशियो, वो फार्मूला आपका पूछा जाता है, उसको ध्यान में रखिएगा। चलिए उसी बात करते हैं, चिप थिकनेस रेशियो, इसे हम आर से डिनोट करते हैं। ध्यान रखिएगा ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट का मतलब पूछा जाता है। चिप थिकनेस रेशियो आर, ये होता क्या है, इट इज़ द रेशियो बिटवीन अनकट चिप थिकनेस एंड कट चिप थिकनेस, यह कटने के पहले चिप की थिकनेस और कटने के बाद की चिप की थिकनेस का अनुपात होता है। तो हम कह सकते हैं इसका डिफिनेशन, इट इज द रेशियो बिटवीन अनकट चिप थिकनेस एंड कट चिप थिकनेस। मतलब यहां से अगर हम आर की वैल्यू देखना चाहें तो अनकट चिप थिकनेस को हमने किससे डिनोट किया था, टी से, और कट चिप थिकनेस को हमने किससे डिनोट किया था, टी सी से। तो ये हम कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारा होता है चिप थिकनेस रेशियो आर इज इक्वल टू टी अपॉन टी सी के। अब चूंकि वी नो दैट टी लेस दैन टी सी, अच्छा टी की वैल्यू टी सी से कम होती है। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि कटने के पहले चिप की थिकनेस कम होगी और कटने के पहले ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई होगा। तो जब टी छोटा होगा और टी सी बड़ा होगा, देखिए ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली है कि नॉमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो ये टोटल वैल्यू हमेशा एक से कम आएगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है। तो आर इज ऑलवेज लेस देन वन, आर इज ऑलवेज लेस देन वन। अब इसमें ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए ऑब्जेक्टिव में जेई में पूछा गया है कि द वैल्यू ऑफ चिप थिकनेस आर इज, वैल्यू ऑफ चिप थिकनेस आर इज, ऑप्शन ए में दे दिया, ऐसे दे दिया, देखिए आर इज इक्वल टू वन। ऑप्शन बी में दे दिया आर इज ग्रेटर देन वन। ऑप्शन सी में दे दिया आर इज लेस देन वन। एंड ऑप्शन डी में दे दिया नन ऑफ एन ओ टी, नन ऑफ एबव। अब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, आप देखिएगा। तो आर की वैल्यू हमारी क्या होती है, आर, एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, देखिए आपको बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन हमेशा ध्यान से और पूरा पढ़ा करिएगा एग्जाम में, क्योंकि हो सकता है वो चिप थिकनेस की जगह चिप रिडक्शन रेशियो अगर आपसे पूछ लेगा तो आंसर पलट जाएगा। वो भी अभी हम आपको बता दे रहे हैं कि वो क्या होता है। देखिए चिप थिकनेस रेशियो यहां पूछा है, चिप के थिकनेस का अनुपात क्या होता है, तो हमने बताया आर इज लेस देन वन, मतलब वहां पे ऑप्शन आपको क्या मार के आना है, आर इज लेस देन वन, ऑप्शन सी मार के आना है। अब इसी पे देखिए थोड़ा सा जो एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है उस पे आपको डिस्कस कर दे रहे हैं। देखिए चिप थिकनेस रेशियो पे देखिए, ऐसा देखिएगा, अब चिप रिडक्शन रेशियो, चिप रिडक्शन रेशियो यदि हम इसे आर डैश से रिप्रेजेंट करें तो ये हमारा क्या होता है, समझिएगा, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो बिटवीन कट चिप थिकनेस एंड अनकट चिप थिकनेस, कट चिप थिकनेस एंड
uncut, chip thickness. इसका मतलब हम कह सकते हैं, देखिए चिप थिकनेस रेशियो में क्या था कि यह अनकट चिप थिकनेस और कट चिप थिकनेस का अनुपात होता था, और चिप रिडक्शन रेशियो मतलब आर नॉट इज इक्वल टू टी सी अपॉन टी होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर दे, तो चिप थिकनेस और चिप रिडक्शन दोनों को ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। तो इसका मतलब आर नॉट इज इक्वल टू टी सी अपॉन टी। अच्छा, हम ये जानते हैं चूंकि बी नो दैट आर इज इक्वल टू टी अपॉन टी सी होता है, तो यहाँ से वन अपॉन आर इज इक्वल टू टी सी अपॉन टी हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे रख दें तो ये देखिएगा आर नॉट इज इक्वल टू वन अपॉन किसके होता है, आर के होता है। तो यहाँ से हमें ये चीज मिल सकती है, और दूसरी बात हम ये जानते हैं टी सी इज ग्रेटर देन टी के होता है। यदि टी सी बड़ा होगा और टी छोटा होगा तो टोटल वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन वन आएगी। इसका मतलब आर नॉट इज ग्रेटर देन वन, आर नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, चिप रिडक्शन रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन। तो इस तरीके से ये हो सकता है, या इसका फार्मूला ऐसा भी लिख सकते हैं चिप रिडक्शन रेशियो इज इक्वल टू वन अपान चिप थिकनेस रेशियो, इस तरीके से ये भी फार्मूला हम लिख सकते हैं। तो अब देखिए एग्जाम में आपका जब चिप रिडक्शन रेशियो पूछेगा तो वहां पे आपको क्या करना होगा, तब इन चारों ऑप्शनों में से यदि इसकी जगह थिकनेस की जगह रिडक्शन दे दे तो वहां पर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। लेकिन चिप थिकनेस पूछेगा तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी सही होगा। तो इस तरीके से हमारा है चिप थिकनेस रेशियो और चिप रिडक्शन रेशियो। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा चिप लेंथ। देखें चिप लेंथ, अच्छा देखिएगा चिप लेंथ रेशियो, जब चिप लेंथ रेशियो हम निकालेंगे तो किसके किसके बीच में निकालेंगे, एल एंड एल से, कटने से पहले चिप की लंबाई और कटने के बाद चिप की लंबाई। तो चलिए इसको हम लोग सीखते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ से देखिए, सपोज करिए इतने मटेरियल को हमें काट के निकालना था, तो ये मटेरियल पूरा बाहर निकल जाएगा, और ये पूरा बाहर निकल जाएगा सपोज करिए इस तरीके से, ये मटेरियल हमारा बाहर निकल गया, तो इस मटेरियल का जो वॉल्यूम यहाँ पे था वही वॉल्यूम बाहर जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि कटने के पहले जो मटेरियल का वॉल्यूम हम हटाना चाह रहे थे कटने के बाद वो कम हो जाएगा, अगर इतना हटाएंगे तो यही पूरा वॉल्यूम यहाँ पे आएगा। वो अलग बात की कि इसकी विड्थ बढ़ जाएगी लेंथ कम हो जाएगी, लेकिन ये बराबर रहेगा, है ना, थिकनेस बढ़ जाएगी लेंथ कम हो जाएगी और विड्थ बराबर रहेगी, बट वॉल्यूम आपका सेम रहेगा, वॉल्यूम आपका सेम रहेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अनकट चिप वॉल्यूम इज इक्वल टू कट चिप वॉल्यूम, अनकट चिप वॉल्यूम इज इक्वल टू कट चिप वॉल्यूम। अनकट चिप वॉल्यूम को आप बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कट चिप वॉल्यूम को बी सी से। यहाँ वॉल्यूम की बात हो रही है, कटिंग वेलोसिटी की नहीं बात हो रही है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो अच्छा देखिए, कटने के पहले वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब आयतन से होता है, तो आयतन का मतलब लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस। तो इसका कटने के पहले अगर इसकी लेंथ हम एल ले लें और इसकी विड्थ हम W ले लें और इसकी थिकनेस हम T ले लें, तो कटने के पहले इसका लेंथ जो हमारा हो जाएगा वो जाएगा वॉल्यूम L इंटू डब्लू इंटू क्या हो जाएगा T हो जाएगा इज इक्वल टू। अच्छा, कटने के बाद ये जो वॉल्यूम निकला था इसकी लेंथ हम क्या ले लें, LC ले लें और इसकी थिकनेस TC ले लें और इसकी विड्थ हम क्या ले लें,
डब्ल्यू सी ले लें, तो कटने के बाद इसका टोटल वॉल्यूम क्या होगा, एल सी इंटू डब्ल्यू सी इंटू टी सी, तो ये हो जाएगा एल सी इंटू डब्ल्यू सी इंटू टी सी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां तक आ गया। अब चूंकि हम जानते हैं कि कटने के पहले जो विड्थ होती है वो कटने के बाद की विड्थ के हमेशा बराबर होती है, थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया, चूंकि वी नो दैट W इज इक्वल टू डब्ल्यू सी के होगा, देन जब W इज इक्वल टू डब्ल्यू सी के होगा तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से एल सी एल इंटू टी बचेगा, ये बचा एल इंटू टी इज इक्वल टू, इधर बचेगा एल सी इंटू टी सी, इस तरीके से ये बचा हमारा। अब देखिए यदि हम इस टी सी को इधर लेना चाहें तो ये हो जाएगा टी अपॉन टी सी इज इक्वल टू एल, इधर चला जाएगा तो एल सी अपॉन एल हो जाएगा, इस तरीके से ये फार्मूला बन गया। अब चूंकि वी नो दैट टी अपॉन टी सी इज इक्वल टू किसके था, आर के था, चिप थिकनेस रेशियो आर के था, यहाँ आर नॉट का उपयोग मत करिएगा क्योंकि आर नॉट से रिलेटेड क्वेश्चन अभी जे में नहीं पूछा गया है, मे भी आगे पूछा जा सकता है, इसीलिए चिप रिडक्शन रेशियो मैंने आपसे इसलिए बता दिया कि शायद आगे पूछा जा सकता हो, तो उसे केवल ध्यान में रखिएगा। बाकी हम हर जगह किसका यूज करेंगे, चिप थिकनेस रेशियो मतलब आर का, आर नॉट या आर डैश का यूज नहीं करेंगे। तो हम जानते हैं टी अपॉन टी सी इज इक्वल टू आर, तो इसकी वैल्यू यहां पर रख दें तो आर इज इक्वल टू ये किसके बराबर हो जाएगा, एल सी अपॉन एल के हो जाएगा। अब देखिए आर इज इक्वल टू एल सी अपॉन एल, अब एल सी की वैल्यू कम होती है, एल की वैल्यू ज्यादा होती है, तो यहां से भी आर इज ऑलवेज लेस देन वन ही रहेगा। हाँ, यहां से भी आर की वैल्यू हमेशा एक से कम ही रहेगी, तो फाइनली जो आर का फार्मूला हम लोग ड्राइव करते हैं वो टी अपॉन टी सी के बराबर कर लेते हैं या एल सी अपॉन एल के बराबर कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा चिप थिकनेस और चिप लेंथ का से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, कहीं से भी पूछा जाएगा। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने नोट्स में नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अब देखिए जो चिप निकल रही है ये क्यों निकल रही है, जब हम मटेरियल से चिप को निकाल रहे हैं तो इसका रीजन क्या है, है ना, रीजन ऑफ चिप फॉर्मेशन, चिप के बनने के कारण, तो फर्स्ट रीजन देखिएगा, जब ये मटेरियल था हमारा, ये वर्कपीस था, इस तरीके से हम यहाँ पे हमने टूल लगाया हुआ था, तो ये जो चिप हमारी बन रही है ये चिप क्यों बन रही है, पहली बार तो इसलिए बन रही है कि इस पर हमने क्या लगा रहे हैं, कौन सा फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, टेंसाइल फोर्स नहीं लगा रहे, टेंसाइल फोर्स ये होता है, ये हम कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, तो हम कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं उस वजह से हमारी चिप फॉर्म हो रही है। तो फर्स्ट रीजन हम कह सकते हैं ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स बिटवीन टूल एंड वर्कपीस, ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स बिटवीन टूल एंड वर्कपीस। नेक्स्ट रीजन देखिएगा, अब ये क्या हो रहा है, चिप हमारी जो निकल रही है वो किस फॉर्म में निकल रही है, शियर फॉर्म में निकल रही है, कट रही है, कर्तन हो रहा है, तो जब कर्तन हो रहा है तो किस फोर्स के कारण कर्तन हो रहा है, शियर फोर्स के कारण कर्तन हो रहा है, तो हमारा यहां पे कौन सा लगेगा, ड्यू टू शियर फोर्स, थर्ड हम बात कर रहे हैं
कि अब ये जो मटेरियल रिमूव होगा या जो चिप फॉर्म हो रही है, अगर यहाँ पे इलास्टिक और प्लास्टिक आप समझते हैं, है ना, प्रत्यास्थ और प्लास्टिकता, तो अगर इलास्टिक होगा तो ये क्या होगा, चिप बार बार रिकवर हो जाएगी। हम फोर्स लगाएंगे, फिर फोर्स हटा लेंगे, आप वो बार बार रिकवर हो जाएगा। तो इलास्टिक सिटी रहेगी तो ये चिप कभी भी रिमूव नहीं होगा। कब रिमूव होगा? इन प्लास्टिक सिटी जोन। मटेरियल तब रिमूव होगा जब ये प्लास्टिक सिटी जोन में आ जाएगा, और प्लास्टिक सिटी जोन में आने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कटिंग फोर्स, यहाँ पर जनरेट हुई हीट, और इन दोनों के बीच लगाया गया नेचर ऑफ फोर्स ना। तो हम कह सकते हैं कि जो चिप जनरेट हो रही है वो किस लिए जनरेट हो रही है, तो यहां पे नेक्स्ट लिख लीजिए, ड्यू टू प्लास्टिक जोन, है ना, प्लास्टिक जोन या प्लास्टिक शेयरिंग कह सकते हैं। तो इस तरीके से इतने रीजन हमारे होते हैं चिप के फॉर्म होने के। चलिए अब ये जो हमने देखा ये प्लास्टिक जोन हो गया, तो इसी पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं ये जो चिप बन रही है। तो हमने देखा कि टेम्परेचर भी मेन रीजन होता है इसके पीछे। टेम्परेचर का मतलब यहाँ पे जो हीट जनरेट हो रही है तभी इसको प्लास्टिक जोन में कन्वर्ट कर दे रही है और मटेरियल रिमूव हो जा रहा है। तो उसके बीच में थोड़ा सा हम टेम्परेचर जोन पे भी स्टडी कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, टेम्परेचर जोन। टेम्परेचर जोन, तो देखिए ये भी क्वेश्चन इससे भी बना हुआ है और बन भी सकता है। ये टेम्परेचर जोन बेसिकली क्या होता है और कितने टाइप का होता है, तो ऐसे देखिए, सपोज करिए कि ये वर्कपीस हो जाए, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं, और ये टूल हो जाए और ये चिप हो जाए, चिप टूल और ये वर्कपीस हो जाए। तो अब यहाँ से हमने देखा कि जब ये टूल इस पर कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा तो आप देखिए कि जो फोर्स लगा रहा है वो टोटल फोर्स किस में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे वो जब फोर्स लगेगा तो इनके बीच जो मॉलिक्यूल होंगे, ये इनके बीच जो मॉलिक्यूलर एटम होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कंप्रेस करने लगेंगे, एक दूसरे को कंप्रेस करने लगेंगे, और कंप्रेस होने की वजह से वो वहाँ पे हीट जनरेशन यानी कि लैटिक्स वाइब्रेशन वहाँ पे बढ़ जाएगा, जिस वजह से वहाँ पे हीट जनरेशन शुरू हो जाएगी। और ये जो टोटल फोर्स हम लगा रहे हैं वो टोटल फोर्स इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किस में, हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, और वही हीट हमारी क्या हो जाएगी, इनके बीच की मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग को वीक कर देगा, जिस वजह से ये मटेरियल यहाँ पे इस तरीके से आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, इस तरीके से आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, अब इसी पे वो जो हम हीट की बात करेंगे, तो देखें जब हमने टोटल फोर्स लगाया, तो सपोज करें क्वेश्चन ये भी बनता है, मान लीजिए कि हमने 100% फोर्स लगा दिया, 100% फोर्स लगा दिया, तो क्या ये 100% फोर्स टोटल 100% हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, या कुछ कम होगा या उससे ज़्यादा होगा? तो देखें कभी भी 100% फोर्स 100% हीट में नहीं कन्वर्ट होता है। तो उसमें देखिए क्या होता है, लगभग 98% 100% फोर्स लगभग 98% हीट में कन्वर्ट होता है। अब देखिए ये 98% हीट में कन्वर्ट होता है, मतलब 2% हमारा फोर्स क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो जो 2% हमारा, जो 2% हमारा फोर्स वो लॉस होता है, वो कहाँ पे होता है, यहाँ पे फ्रैक्शनल लॉसेस में चला जाता है। वो जो फोर्स हमारा लॉस होता है इन फ्रैक्शनल लॉस, फ्रैक्शनल लॉस में हमारा 2% चला जाता है। तो अब चलिए देखिए ये जो 90% हीट हमारी जनरेट हुई इस 100% फोर्स की वजह से, 90% हीट जनरेट हुई, अगर इस 90% हीट को हम 100% हीट मान लें, इस 90% हीट को हम 100% हीट मान लें, तो वो 100% हीट हमारी कितनी कैटेगरी में डिवाइड होती है, उसी कैटेगरी को हम कहते हैं टेम्परेचर जोन, उसी कैटेगरी को हम कहते हैं टेम्परेचर जोन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये जो 100% देखें
100% ये जो हीट होती है, जब इस 98% को हमने 100% माना तो ये 100% हीट हमारी तीन जोन में डिवाइड होती है। इसे हम कहते हैं जोन वन, इसे हम कहते हैं जोन टू और इसे हम कहते हैं जोन थ्री। जोन वन, जोन टू और जोन थ्री, बेसिकली तीन जोन में ही हीट हमारी डिस्ट्रीब्यूट होती है। तीनों जोन के बारे में आप देख लीजिए वो कौन कौन से जोन होते हैं और कितना परसेंट हीट जनरेट होती है। तो चलिए देखिए, ऐसा देखिएगा इसी डायग्राम में, देखिए ये जो चिप हमारी इस तरीके से जा रही है तो एक जोन हमारा यहां से लेकर यहां तक ऐसा बनता है और दूसरा जोन हमारा यहां से लेकर यहां तक ऐसा बनता है और तीसरा जोन हमारा यहां से लेकर यहां तक ऐसा बनता है। यदि इसे हम जोन वन मान ले, इसे हम जोन टू मान ले और इसे हम जोन थ्री मान ले। तो देखिए जोन वन का मतलब हमारा कहां पे दिखाई दे रहा है, ये वर्क पीस है और ये चिप है। चिप और वर्क पीस के बीच में जो भी जोन हमारा बनता है, देखिए ये वाला जो जोन हमारा बन रहा है वो किसके बीच बन रहा है, जोन वन बिटवीन चिप एंड वर्क पीस। जोन वन हमारा बनेगा वो चिप और वर्क पीस के बीच में बनेगा। तो हम जोन वन को लिख दे रहे हैं, ये किसके किसके बीच बनेगा, बिटवीन चिप एंड वर्क पीस। दूसरे जोन की बात कर रहे हैं, अब ये जो जोन टू हमने लिखा है वो जोन टू हमारा किसके बीच बन रहा है, देखिए ये टूल है और ये टूल की रैक फेस होती है। आगे आपको जब नॉमन क्लेचर आप टूल बताएंगे तो वहां आपको सारी चीजें क्लियर करेंगे कि रैक फेस क्या होती है, फ्लैंक फेस क्या होती है, वो सारी चीजें। तो यहां देखें ये चिप हो गया और ये टूल का रैक फेस हो गया, तो ये हमारा जो जोन टू आपको दिखाई दे रहा है ये किसके किसके बीच दिखाई दे रहा है, चिप एंड रैक फेस ऑफ टूल। तो हम यहां पे नोट कर देते हैं जोन टू हमारा किसके बीच बनेगा, चिप एंड रैक फेस ऑफ टूल। नेक्स्ट बात कर रहे हैं जो हमने जोन थ्री एज्यूम किया था, तो अच्छा देखिए जब ये वर्कपीस ऐसा वर्कपीस हमारा ये इस तरीके से बनता जा रहा है, तो ये वाला जो वर्कपीस है, ये वाली जो सरफेस है वो यही वाली तो सरफेस है, यही वाली तो सरफेस है, और ये वाला जो टूल का फेस होता है इसे फ्लैंक फेस बोलते हैं। ये रैक फेस होता है जिस पर से चिप स्लाइड होके जाता है और नीचे वाले फेस को फ्लैंक फेस कहते हैं ना। तो ये जो फ्लैंक फेस होती है और ये वाली जो सरफेस कौन सी, अनमशीन्ड है कि मशीन्ड है, ये वाली सरफेस अनमशीन्ड होती है। ये जो सरफेस है मशीनिंग के पहले की सरफेस है, यानी कि इस वाली सतह को हम कहते हैं अनमशीन्ड सरफेस, और ये वाली जो सरफेस होती है वो कौन सी होती है, मशीन्ड सरफेस। तो हमारा ये जो मशीन्ड सरफेस और टूल की फ्लैंक फेस के बीच में ये जोन थर्ड हमने एज्यूम किया था, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। जोन थर्ड हमारा किसके किसके बीच बनेगा, ये बनेगा मशीन्ड सरफेस ऑफ वर्क पीस एंड फ्लैंक फेस ऑफ टूल, फ्लैंक फेस ऑफ टूल। तो इस तरीके से हमारा जोन थर्ड बनता है। अब इन तीनों जोन में जो हमारी इस 98% देखिए, इस 98% हीट को हमने 100% माना हुआ था, तो ये 100% हीट क्या इन तीनों जोन में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगी या किसी में कम और किसी में ज़्यादा होगी। तो क्वेश्चन यहीं से बनता है स्टूडेंट, क्वेश्चन यहीं से बनता है और बना हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। देखिए कराएंगे भी क्वेश्चन आगे आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे वन बाय वन यहीं पे लिखेंगे और उसको हम बाय रेफरेंस कि हाँ ये क्वेश्चन आपका इस बोर्ड में इस ईयर में आया हुआ है और आपसे ही सॉल्व करवाएंगे। तो देखिए ये जो हमारा हीट डिस्ट्रीब्यूट होता है वो सेम डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सबसे पहले देखिएगा जो मैक्सिमम हीट हमारा जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कहाँ पे होता है, जोन वन में होता है। जोन वन में क्यों होता है, क्योंकि इस मटेरियल को सियर करना है, ज़्यादा हीट यहाँ पे रहेगी तो मटेरियल हमारा क्या होगा, आसानी से सियर होगा और बाहर चली जाएगी चिप ना। तो एक डेटा है इसका, देखिए एग्जैक्ट डेटा इसका माना गया है,
यहाँ पे लिखते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए ये हमारा हो गया जोन वन, जोन टू, जोन थ्री, मतलब हीट जोन वन, हीट जोन टू और हीट जोन थ्री। तो जो जोन वन होता है उस वन जोन में 70 से 80% हीट, अगर ये 100% हीट माने हैं तो इस 100% का 70 से 80% हीट जोन वन में होती है, जोन वन में होती है। और जोन टू होता है, जो देखिए जोन टू में 20 to 30% 20 से 30% हीट जोन टू में होती है। कहीं कहीं आपको 10 से 20% भी दिया गया होगा, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। मेजर आपको जोन वन याद रखना, जोन वन किसके किसके वर्क पीस एंड चिप के बीच में कितना होगा, 70 to 80%। और जो जोन थर्ड होता है वो कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। तो जोन थर्ड में कहीं कहीं देखें आपको 3 से 5% आपको दिखाई देगा, या यहाँ 5 to 10%, या तो 5 से 10% जोन थ्री में होगा या 3 से 5% होगा। तो इस तरीके से ये टोटल हमारा जोन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, टोटल जोन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखिए ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया है वो कैसे पूछा गया है, यहाँ पे देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे लिख दिया गया, हीट जोन इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ध्यान से देखिएगा, 80 10 10, ऑप्शन बी 70 40, सॉरी 70 10 20, ऑप्शन सी इस तरीके से दिया गया था 60, एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है थर्ड वाले का, है ना, 60 30 10, ऑप्शन डी इस तरीके से ही दिया गया था 60, है ना, 25 15। तो अब यहाँ पे जब ऐसा क्वेश्चन देगा तो हमेशा याद रखिएगा जो पहला वाला सीरियल रहेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, जोन वन को रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा वाला सीरियल हमेशा जोन टू को रिप्रेजेंट करेगा, और तीसरा वाला हमेशा जोन थर्ड को। ये देखिए सीरियल याद रखिएगा, सीरियल यही होता है, जोन वन जोन टू जोन थ्री। तो अब देखिए जोन वन में मैक्सिमम 80% हीट हमारी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो जहाँ पर 80% दिखे वहाँ पर उसे आप मैंडेटरी कर लीजिएगा। अब उसके बाद देखिएगा जोन टू में या तो 20 से 30% या 10 से 20%, तो मतलब इन दोनों में एक डेटा हमें कॉमन दिखाई दे रहा है 10%, और जोन थ्री में या तो 3 से 5% या 5 से 10%। तो हम कह सकते हैं 10% कह सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 80 10 10, तो हम ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर लेंगे, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो इस तरीके से जो चिप हमारी बनती है उसमें ये टेम्परेचर जोन होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखिए अब बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया जोन, अब जोन के बाद थोड़ा सा इन चिप के प्रकार के बारे में जान लेते हैं, कितने टाइप की ये चिप हमारी बनती हैं, प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन आपका कभी इस पर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो हीट हमारी डिसिपिएट होती है, ये तो हीट हमारी जनरेट हो रही है, जो 100% हीट हमारी थी इस 100% हीट को हमने जनरेट किया था, अब ये हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद अब ये डिसिपिएट होगी, डिसिपिएट मतलब क्या होगी, रिजेक्ट होगी। तो वो जो रिजेक्ट होगी उसकी जगह उस पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो कैसे रिजेक्ट होती है और कितना कितना किस पे ज़्यादा होती है। तो आप ऑब्वियसली है समझिएगा, देखिए सबसे ज़्यादा ये एरिया ज़्यादा होता है, ये किसका होगा, चिप हो गया, चिप पतली भी होती है और इसका एरिया ज़्यादा होगा। तो जो मैक्सिमम हीट डिसिपिएट होगी वो किस में डिसिपिएट होगी, चिप में डिसिपिएट होगी। चिप के बाद किस में डिसिपिएट होगी, टूल में डिसिपिएट होगी। टूल के बाद किस में डिसिपिएट होगी, वर्क पीस में। उसके बाद फिर सबसे कम तक इन्वायरमेंट में जाएगी, है ना। तो ये लाइन आप लिख लीजिएगा, हीट डिसिपिएशन तो ये जो हमारा होगा वो कैसे कैसे होगा, सीरियल आप इसका देखिएगा, सीरियल ये पूछा गया है क्वेश्चन में। सबसे पहले किस में होगा, सबसे ज़्यादा चिप में होगा, चिप से कम किस में होगा, टूल में होगा, और टूल से कम किस में होगा, वर्क पीस में होगा, और वर्क पीस से कम किस में होगा, इन्वायरमेंट में होगा,
है ना, वायुमंडल। इस तरीके से ये हमारा हो गया हीट डिसिपिएशन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इस चिप के टाइप के बारे में। ये तो अभी तक थी हमारी नेचर ऑफ चिप। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट टाइप्स ऑफ चिप। चलिए हमारी हेडिंग है टाइप्स ऑफ चिप, चिप के प्रकार। देखिए बेसिकली हमारी जो चिप निकलती है वो चार तरीके से निकलती है ना। चारों का हम नाम लिख दे रहे हैं, उसके बाद सबका वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो चिप हमारी निकलती है वो फोर टाइप से निकलती है। उसमें पहली चिप हमारी होती है कॉन्टिन्यूअस चिप, है ना, इसको कहते हैं सतत चिप। दूसरी जो हमारी होती है डिसकॉन्टिन्यूअस चिप, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं सेगमेंटल चिप। दोनों में कोई भी नाम आपसे पूछा जा सकता है, वैसे सेगमेंटल के नाम से पूछा गया है, डिसकॉन्टिन्यूअस के नाम से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेक्स्ट हमारी हो गई सेगमेंटल चिप, इसको हिंदी में बोलते हैं असतत चिप। नेक्स्ट थर्ड हमारी जो होती है वो होती है बी यू ई का मतलब होता है बिल्ड अप एज चिप, है ना। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ चिप होती है वो होती है अनयूजुअल स्ट्रेन, अनयूजुअल स्ट्रेन चिप। तो इस तरीके से ये हमारी चिप की कैटेगरी होती है, पहली कॉन्टिन्यूअस चिप, फिर डिसकॉन्टिन्यूअस चिप, बिल्ड अप एज चिप या अनयूजुअल स्ट्रेन। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कॉन्टिन्यूअस चिप कैसी बनती है और कब बनती है, फिर डिसकॉन्टिन्यूअस कब बनती है, फिर ये दोनों कब बनती हैं। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूअस चिप के बारे में। तो इसके लिए हम हेडिंग डालेंगे फेवरेबल कंडीशन फॉर कॉन्टिन्यूअस चिप। देखिए हमारी हेडिंग है फेवरेबल कंडीशन फॉर कॉन्टिन्यूअस चिप, मतलब सतत चिप बनने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन होती है वो क्या क्या होती हैं। तो आइए समझते हैं सतत चिप पहले बनती कैसे है और उसकी आकृति कैसी होती है, फिर उसके कंडीशन के बारे में। देखिए ये हो गया हमारा टूल और ये हो गया हमारा वर्क पीस, और इस तरीके से ये जो चिप जा रही है, अब समझिए ये जो चिप हमारी जा रही है, देखिए ये चिप क्या हो रही है, आगे की ओर ऐसे बढ़ती चली जा रही है, आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है। तो अब ये चिप अगर बिना ब्रेक हुए आगे की ओर बढ़ती चली जाए, आगे की ओर बढ़ती चली जाए, तो इसी प्रकार की चिप को हम बोलते हैं सतत चिप या कॉन्टिन्यूअस चिप। मतलब बिना ब्रेक हुए चिप एक लॉन्ग स्पाइरल कॉइल में बनती चली जाए, है ना। चिप मेकिंग इन लॉन्ग स्पाइरल कॉइल इज कॉल्ड चिप मेकिंग। ऐसे देखिएगा चिप्स आर मेकिंग इन फॉर्म ऑफ लॉन्ग स्पाइरल क्वायल इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस चिप।
अब देखिएगा, ये तो हमारी इसकी डिफिनेशन हो गई, लेकिन अब ये बनती क्यों है इसका भी मतलब समझ लीजिएगा। अब देखिए इसके कंडीशन की बात करेंगे तो वन बाय वन लिखेंगे। सबसे पहले देखिएगा, अगर ये मटेरियल कौन से वर्कपीस की बात कर रहे हैं, अगर इस वर्कपीस का मटेरियल हमारा हार्ड होगा या ब्रिटल होगा या भंगुर होगा तो उस समय ये कॉन्टिन्यूस चिप नहीं बनेगी। आप भी जानते हैं, देखिए रबर को आप तानेंगे, रबर मतलब तन्य होगा, तो इस तरीके से जो डक्टाइल मटेरियल होगा उसमें क्या होगा, कॉन्टिन्यूटी बनने की संभावना ज़्यादा होगी, और ब्रिटल मटेरियल होगा तो भंगुर है तो क्या होगा, भुरभुरा होगा, है ना, वो टूटने लगेगा, तो वहाँ पे कॉन्टिन्यूस चिप बनने की संभावना नहीं होगी। तो पहली कंडीशन अगर मटेरियल की बात करें तो ये वर्कपीस हमारा कैसा होना चाहिए, ब्रिटल या डक्टाइल, तो हमारा वर्कपीस कैसा होना चाहिए, हार्ड भी नहीं होना चाहिए, ये हमारा डक्टाइल वर्कपीस होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन हम लिख सकते हैं, लिखते हैं क्या, डक्टाइल मटेरियल। नेक्स्ट कंडीशन देखिएगा, अच्छा डक्टाइल मटेरियल हो गया, चलिए आगे की बात करते हैं। अब एक एग्जांपल आपसे लेते हैं, सपोज करिए कि आप आलू वगैरह छीलते हैं, खीरे वगैरह छीलते हैं, तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए खीरे को ले लीजिए या आलू को ही ले लीजिए और वहाँ पे आप छीलन को रखिए, और छीलन को आप अगर देखिए ज़्यादा दबाइए और उसके बाद खींचिए तो क्या होगा, और उसके बाद कम दबाइए और उसके बाद खींचिए, मतलब अगर आप पतला सा छीलेंगे तो वो क्या होगा, एक कॉन्टिन्यू चिप निकलने की संभावना ज़्यादा होगी, और वहीं पर अगर आप ज़्यादा दबा देंगे मतलब डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा ले लेंगे और फिर खींचेंगे तो उसके टूटने की या ब्रेक होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो यहाँ से हमें एक चीज़ ये पता चलता है कि अगर ये जो देख रहे हैं, इस डेप्थ को देख रहे हैं, ये जो डेप्थ ऑफ कट टी है, अगर इसकी वैल्यू को हम बढ़ा देंगे, डेप्थ ऑफ कट को बढ़ा देंगे तो कॉन्टिन्यूस चिप के बनने की संभावना कम हो जाएगी, और धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते वो कॉन्टिन्यूस चिप खत्म हो जाएगी, किस में आ जाएगी, डिसकॉन्टिन्यूस चिप में बनने लगेगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो डेप्थ ऑफ कट हमारी कैसी रख रही है, जितना कम से कम रख सकें उतना ही कॉन्टिन्यू चिप बनेगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं लो डेप्थ ऑफ कट। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, फीड की बात कर रहे हैं। अब फीड का मतलब देखिए, अगर रेक्टेंगल वर्क पीस है तो इसकी चौड़ाई से बात करेंगे, और सर्कुलर वर्क पीस है तो एक रिवोल्यूशन में कितना स्पीड से टूल आगे बढ़ेगा उस डिस्टेंस की बात कर रहे थे। तो यहाँ रेक्टेंगुलर है तो यहीं पे देख लीजिए आप, अगर ज़्यादा मोटाई में वर्क पीस को आप काटना शुरू करेंगे तो उसके टूटने की संभावना ज़्यादा रहेगी, और जितना पतला रहेगा उतनी ही लंबी एक स्पाइरल कॉइल निकलेगी। तो हमारी कोशिश कम से कम रहेगी तो हमारा क्या होगा, चिप कंटिन्यू बनेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं फीड भी हमारी क्या रहेगी, लो फीड रहेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कटिंग स्पीड की बात करेंगे, अच्छा खीरे पे एग्जांपल आप ले लीजिए, अगर आप खीरे को रखिए और बहुत तेज़ी से आप छील दीजिए, या उसी खीरे को रखिए और धीरे धीरे छीलिए, तो वहाँ पे क्या होगा, वो जो धीरे धीरे छीलेंगे वहाँ टूटने की संभावना उसके ज़्यादा रहेगी, और जब तेज़ी से छीलेंगे तो उसके टूटने की संभावना कम रहेगी। मतलब कटिंग स्पीड हम जितनी अधिक रखेंगे उतनी ही कॉन्टिन्यू चिप बनने की संभावना रहेगी। तो उस तरीके से देखिएगा, जैसे आप कटर ही ले लीजिए, पेंसिल और कटर आप छीलते हैं, खूब तेज़ी से छीलिए तो एक अच्छी स्पाइरल कॉइल बनती चली जाएगी, और अगर वो स्पीड आप कॉन्स्टेंट घुमाते जाइए तो वो चिप नहीं टूटेगी ना। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिएगा, हम नेक्स्ट पॉइंट बात कर रहे हैं, कटिंग स्पीड हमारी क्या रहेगी, हाई कटिंग स्पीड। हाई कटिंग स्पीड है ना। अब एक पॉइंट आपको अभी नहीं बता रहे हैं क्योंकि रैक एंगल अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे रैक एंगल क्या होता है, रिलीफ एंगल क्या होता है, शियर एंगल क्या होता है, बट अभी यहां पे उस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। रैक एंगल कुछ नहीं होता है, ये जो टूल होता है ये जितना इधर होता है इसी को हम रैक एंगल बोलते हैं, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। मतलब ये जितना गैप रहेगा उतनी ही चिप अच्छे से आगे बढ़ेगी, तो हम कह सकते हैं कि इसके लिए लार्ज रैक एंगल होना चाहिए, तो ये भी नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से ये हमारा होता है। अब देखिएगा यहाँ भी निगेटिव पॉजिटिव और जीरो रैक एंगल की बात नहीं हो रही है, बस केवल इतना रखिएगा कि इस पे रैक एंगल थोड़ा सा लार्ज रखेंगे तो कॉन्टिन्यू चिप बनेगी। चलिए ये तो हमारी पूरी फेवरेबल कंडीशन हो गई किसके लिए,
कॉन्टिन्यू चिपके लिए ऐसा होता है और इस तरीके से होता है। अच्छा एक बात और, अगर कॉन्टिन्यू चिप लगातार बनती जाएगी, कॉन्टिन्यू चिप लगातार बनती जाएगी तो वो क्या होगा, कभी टूटेगी नहीं, आगे जाके किसी मशीन को टच करेगी उसकी बॉडी को ख़राब करेगी, टूल की बॉडी को ख़राब करेगी, या किसी ह्यूमन बॉडी जो आदमी वर्क कर रहा होगा उसकी बॉडी को जाकर क्या करेगी, डिस्टर्ब करेगी, चोटिल कर देगी, कुछ भी करेगी। मतलब हमारे लिए इस कॉन्टिन्यू चिप बनने का क्या है, रिस्क है, खतरा है। तो हम नहीं चाहेंगे कि कॉन्टिन्यू चिप बने, हम चाहेंगे कि डिसकॉन्टिन्यू चिप बने। बट एक प्रॉब्लम है कि अगर हम डक्टाइल मटेरियल की मशीनिंग करेंगे तो कॉन्टिन्यू चिप बनेगी, उसे हम रोक नहीं पाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि उस कॉन्टिन्यू चिप को बनने से रोकने के लिए हम कुछ प्रोसेस का यूज करते हैं, उसको भी यहाँ पे देख लीजिए वो कौन से प्रोसेस का यूज करते हैं। तो देखिए, एक हम यूज करते हैं चिप ब्रेकर, उस टूल का नाम होता है चिप ब्रेकर। चिप ब्रेकर का मतलब क्या होता है, वो चिप में ब्रेक नहीं लगाता है, आप समझिए। जैसे देखिए ये टूल हो गया, अगर इस टूल की बॉडी के ऊपर, इस टूल की बॉडी के ऊपर इस तरीके का एक एलिमेंट ऐसा लगा दिया जाए, अगर इस टूल को हम यहाँ 3D में बनाएं, ऐसा देखिए ये टूल हम इस तरीके से बनाएं और इस टूल की बॉडी के ऊपर आप देखिए इस तरीके से एक एलिमेंट को लगाएं, मतलब यहाँ पे आप देखिए ये एलिमेंट ये कुछ इस तरीके से ऐसा लग जाए, इस तरीके से ऐसा लग जाए, तो अब क्या होगा, ये जो चिप आगे जा रही थी, अब सडनली चिप जब यहाँ से टकराएगी तो अचानक से उसे मोड़ मिलेगा, अचानक से मोड़ मिलेगा और चिप हीट कंडीशन में होगी, क्योंकि 80% हीट यहीं पे जनरेट हो चुकी थी, तो इस हीट कंडीशन में होने की वजह से अचानक से जब मुड़ेगी तो वो टूट जाएगी, वो टूट जाएगी, और टूट जाएगी तो जिससे कंटिन्यू चिप बनने की संभावना कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग देखिए सरसों की पिराई करने जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम तेल की पिराई करने जाते हैं, तो तेल की नहीं सरसों की पिराई करने जाते हैं ना, तो उसमें देखिए क्या होता है कि जब लास्ट वाली खली जो निकलते हैं, जो उसका फाइनल चिप निकलती है, अगर उसे आप तोड़िए मत तो एक लंबी चिप निकलती चली जाती है, और कुछ देर बाद जब वो ठंडी हो जाती है तो जब हीट उसकी डिसिपिएट हो गई तो उसे तोड़ने में ज़्यादा फोर्स लगेगा, और जब गर्म निकलती है तो तुरंत आप तोड़ दीजिए तो आसानी से टूट जाती है। तो वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है कि जब ये हीट कंडीशन में निकली और अचानक से ये ब्रेकर मिल गया तो यहाँ पे ये टूट जाएगी, फिर टूट टूट के आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो हम कॉन्टिन्यूस चिप को बनने से रोकने के लिए किसका यूज करते हैं, इस इक्विपमेंट का यूज करते हैं जिसका नाम होता है चिप ब्रेकर। अब ये चिप ब्रेकर यहाँ पे लगता कैसे है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया चिप ब्रेकर क्या होता है। फिलहाल चिप ब्रेकर क्या होता है उस पर भी देख लीजिए, चिप ब्रेकर आर, देखिए चिप ब्रेकर आर यूज टू, अब ये क्या करेगा, यूज टू मेकिंग कॉन्टिन्यूस चिप इनटू डिसकॉन्टिन्यूस चिप। यह चिप ब्रेकर कॉन्टिन्यूस चिप को डिसकॉन्टिन्यूस चिप में कन्वर्ट करता है। सेकेंड और हाईलाइटेड पॉइंट देखिए, जो आता है एग्जाम में वो क्या होता है कि इस चिप ब्रेकर को यहाँ पर इस वर्कपीस के ऊपर, सॉरी इस टूल के ऊपर कैसे लगाएं, या लगता टूल के रैक फेस पर है और कैसे लगता है, अगर हम वेल्डिंग करेंगे इसके किनारों पर वेल्डिंग करेंगे तो उतनी मजबूत स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, और ये टूल भी हमारा क्या हो जाएगा, वेल्डिंग में हीट जनरेट होने की वजह से छोटा सा तो टूल होता है, इस पेन से भी छोटा होता है, आपने कभी वर्कशॉप में देखा होगा, तो वहाँ वेल्डिंग करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, इस टूल की स्ट्रेंथ भी हीट जनरेट होने की वजह से कम हो जाएगी, तो हम वेल्डिंग नहीं करते हैं। तो जो हमने एक आपने नाम सुना होगा ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग, तो यहाँ पे हम ब्रेजिंग ऑपरेशन के थ्रू, ब्रेजिंग आप समझते हैं ना, जैसे GI पाइप को हम जोड़ते हैं तो वहाँ ब्रेजिंग ऑपरेशन करते हैं, तो इस तरीके से ब्रेजिंग ऑपरेशन के थ्रू इस टूल को इसके ऊपर लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं, चिप ब्रेकर आर फिटेड इनटू द रैक फेस ऑफ टूल, रैक
फेस ऑफ टूल बाय द किस ऑपरेशन के थ्रू करते हैं, ब्रेजिंग ऑपरेशन के थ्रू, बाय द ब्रेजिंग ऑपरेशन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये हाइलाइटेड पॉइंट था, इसको आप ध्यान रखिएगा, ब्रेजिंग ऑपरेशन के थ्रू इसे हम लगाते हैं। तो चलिए अब ये हमारा कॉन्टिन्यूस चिप से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट चिप हमारी जो है वो कौन सी है, डिसकॉन्टिन्यूस चिप। चलिए उस पर हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या होती है और उसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होती है। देखिए फेवरेबल कंडीशन फॉर डिस कॉन्टिन्यूस चिप, डिसकॉन्टिन्यूस चिप बनने के लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं उसका डायग्राम देखिए। इस तरीके से वर्क पीस होगा और इस तरीके से टूल होगा। यहाँ पे जो चिप बनेगी वो क्या बनेगी, ऐसे थोड़ी सी निकलेगी, टूट जाएगी, फिर ये इसको आगे बढ़ा देगी, ये इस तरीके से ये चिप मारी टूटते हुए आगे बढ़ती जाएंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, चिप कहते हैं। और ये हमारा क्या होता है, टूल होता है और ये वर्क पीस होता है। तो अब इसी चिप को हम कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूस चिप। ये टूट टूट कर निकलती जाती है और टूट टूट कर क्यों निकलती है, क्योंकि मटेरियल हमारा जो वर्क पीस है वो कैसा है, ब्रिटल है या बहुत ज़्यादा हार्ड है। हार्ड और ब्रिटल वर्क पीस पर जब मटेरियल को रिमूव करते हैं तो श्योर 100% आपको क्या बनेगा, डिसकॉन्टिन्यूस चिप ही बनेगा। तो इसके लिए पहली फेवरेबल कंडीशन यहाँ पे हम लिखेंगे, जो मटेरियल होगा वो कैसा होना चाहिए, ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल। अब ये ध्यान रखिएगा, जो हम मटेरियल की बात कर रहे हैं ये हम टूल की नहीं बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्कपीस के लिए बात कर रहे हैं। तो आप गलत मत समझिएगा, ये वर्कपीस के लिए, पिछले वाले में भी वर्कपीस के लिए ही था। तो अब ये हो गया, नेक्स्ट बात कर रहे हैं। अच्छा देखिए, ये जो डेप्थ ऑफ कट है इसकी बात कर रहे हैं, वहाँ हमने देखा था अगर डेप्थ ऑफ कट को बढ़ाएंगे तो कॉन्टिन्यूस चिप डिसकॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट हो रही थी। तो इसका मतलब डिसकॉन्टिन्यूस बनने के लिए डेप्थ ऑफ कट को हम क्या करेंगे, ज़्यादा रखेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं हाई डेप्थ ऑफ कट। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिएगा, थर्ड पॉइंट, जब डेप्थ ऑफ कट हाई है फीड यानी कि विड्थ भी हम ज़्यादा रख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें डिसकॉन्टिन्यूस चाहिए ही था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये भी रख लेंगे हाई फीड, फीड भी हम अधिक रख लेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जब फीड और डेप्थ ऑफ कट अधिक रख लिए तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब कटिंग स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। ज़्यादा चौड़ाई की चीज़ काटेंगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, डेप्थ भी ज़्यादा ले लेंगे तो स्पीड कम हो जाएगी, तो मतलब कटिंग स्पीड क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो लो कटिंग स्पीड, तो इस तरीके से ये हमारा हो गया किसके लिए, फेवरेबल कंडीशन फॉर डिसकॉन्टिन्यूस चिप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप बात करते हैं डिसकॉन्टिन्यूस के बाद, इसी को सेगमेंटल के नाम से जानते हैं, बार बार हम कह रहे हैं ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सेगमेंटल के नाम से भी आ सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे BUE या बिल्ड अप एज चिप के बारे में, चलिए वो क्या होती है उसके लिए देख लेते हैं। देखिए फेवरेबल कंडीशन फॉर BUE बिल्ड अप एज चिप, ये बिल्ड अप एज क्या होता है, देखिए ये वर्कपीस हो गया इस तरीके से, ये हो गया और ये टूल हो गया और ये चिप हो गई। इसमें होता क्या है समझिएगा, कि जब हम सपोज करिए कि अगर ये मटेरियल डक्टाइल हो, देखिए पहली कंडीशन यहाँ पे हमने लिख दिया, समझा रहे हैं आपको, डक्टाइल
मटेरियल किसका, वर्क पीस का। अब देखें अगर ये वर्क पीस का मटेरियल डक्टाइल हो तो यहाँ पे ये जो हमने डेप्थ ऑफ कट लो लिया था, जब लो डेप्थ ऑफ कट लिया था तो हमारी कॉन्टिन्यूस चिप बन रही थी। अब इस डेप्थ ऑफ कट को आप इंक्रीज करिए, धीरे धीरे बढ़ाइए, तो ये कॉन्टिन्यूस चिप धीरे धीरे कन्वर्ट होकर क्या होगी, अगर ये मटेरियल डक्टाइल होगा तो ये कॉन्टिन्यू चिप ही बनेगी, कॉन्टिन्यू चिप ही बनेगी। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, इसमें जो हीट होगा, यहाँ पे जो हीट होगा ये क्या होगा, ज़्यादा जनरेट होगा। क्यों ज़्यादा जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ पे जब डेप्थ ऑफ कट बढ़ेगा तो कटिंग फोर्स ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, और कटिंग फोर्स जितना ज़्यादा बढ़ेगा, तो हमने आपको पहले ही बताया था कि 100% कटिंग फोर्स 98% हीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ज़्यादा कटिंग फोर्स होगी लगेगा, ज़्यादा हीट जनरेट होगी, कम कटिंग फोर्स लगेगा, कम हीट जनरेट होगी। तो यहाँ पर जब डेप्थ ऑफ कट को बढ़ाएंगे तो कटिंग फोर्स, ये जो टूल पे कटिंग फोर्स लग रहा है FC, ये हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जब कटिंग फोर्स बढ़ जाएगा तो हीट जनरेशन भी बढ़ जाएगा। तो उसमें क्या होगा, देखें उसमें ये होगा कि ये जो चिप हमारी जा रही है, ये चिप जाएगी तो, लेकिन चिप देखिए जैसे चिप ऐसे जा रही है, तो जब ज़्यादा हीट जनरेट होगी तो चिप क्या होगी, वो भी वार्म होगी, गर्म होगी, और गर्म होगी तो चिप चिप का सबसे बेस वाला निचला हिस्सा होता है वहाँ पर वो सारा कलेक्ट होकर थोड़ा थोड़ा ड्रॉप के रूप में कलेक्ट होने लगेगी, वो मेल्ट नहीं होगी, अपने मेल्टिंग टेम्परेचर तक पहुँच जाती है और वो कलेक्ट होने लगती है ड्रॉप के रूप में। चिप आगे बढ़ती है लेकिन अपना थोड़ा थोड़ा ड्रॉप के रूप में ये गिरने लगती है, और टूल की इस फेस पर, टूल की इस फेस पर ऐसे कलेक्ट होना शुरू हो जाती है इस तरीके से। मतलब ये जो चिप जा रही है वो ऐसे ऐसे ड्रॉप के रूप में आएगी, यहाँ पे कलेक्ट होगी इस तरीके से, इसके ऊपर कलेक्ट होना शुरू हो जाएगी, और चिप आगे बढ़ती जाएगी, किस फॉर्म में जाएगी, कॉन्टिन्यूस के ही फॉर्म में जाएगी। इसीलिए इसका दूसरा नाम जो लिया जाता है बिल्ड अप एज का, दूसरा नाम लिया जाता है यहाँ पे देखिएगा, और इसका नाम होता है कॉन्टिन्यूस चिप विथ बिल्ड अप एज। मतलब यहाँ चिप कॉन्टिन्यूस ही बनेगी, लेकिन वो जो बिल्ड अप एज जनरेट हो रही है वो इसी टूल के ऊपर जनरेट हो रही है। और क्यों जनरेट हो रही है, ज़्यादा फीड और ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट देने की वजह से हीट ज़्यादा जनरेट हो रही है, जिससे चिप हमारी मेल्ट होकर इस टूल के ऊपर कलेक्ट हो रही है ना। तो ये हमारा होता है, तो फेवरेबल कंडीशन मटेरियल कैसा रहेगा, डक्टाइल ही रहेगा, डक्टाइल रहेगा, और जो डेप्थ ऑफ कट हमारी क्या रहेगी, हाई डेप्थ या लार्ज डेप्थ कह सकते हैं ऑफ कट। थर्ड पॉइंट हमने देखा, अगर हम फीड की बात करेंगे तो फीड भी लार्ज रखेंगे, तो हाई फीड, फीड भी हमारी ज़्यादा होगी। अब फीड और डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा होगी तो कटिंग स्पीड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, लो कटिंग स्पीड। तो इस तरीके से ये फेवरेबल कंडीशन हमारी होती है किसके लिए, बिल्ड अप एज के लिए। इसका देखिए फायदा क्या है, एडवांटेज हमारा ये है कि अगर हमें सपोज करिए, आप देखिए दोनों में एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लीजिए। सपोज करिए ये वर्कपीस था और इस वर्कपीस के इतने पार्ट को कट करके रिमूव करना था, इतने पार्ट को। अब देखिए अगर इस पार्ट को हम ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में, पहली बार में हमने इतना टुकड़ा रिमूव किया, दूसरी बार में इतना किया, तीसरी बार में इतना किया, तो पतले पतले टुकड़ों में रिमूव करेंगे तो हमारा जो कटिंग टाइम होगा वो बहुत ज़्यादा लग जाएगा। और कटिंग टाइम हमारा किस पे, कॉस्ट पे भी डिपेंड करता है, अगर कटिंग टाइम ज़्यादा लगेगा तो उसकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, कटिंग टाइम कम लगेगा तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, थोड़ी सी कम रहेगी। तो हम चाहेंगे कि कम से कम कटिंग टाइम लगे। तो अब देखिए इतना मटेरियल रिमूव करना है और अगर हम पतली पतली थिकनेस की चिप को रिमूव करेंगे तो उस समय हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो हम चाहेंगे कि पतली पतली ना करके हम पहली बार में इतनी थिकनेस की चिप को रिमूव कर दिए, दूसरी बार इतनी कर दिए, तीसरी बार इतनी कर दिए, तो क्या होगा, इस तरह से कम समय में ही बहुत अच्छे से आसानी से हम अपने ऑब्जेक्ट को रिमूव कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, टाइम को कम करने के लिए हमने चिप की डेप्थ को और विड्थ को बढ़ा दिया, तो समय तो कम हो गया लेकिन एक कमी क्या आएगी,
कि इस टूल के ऊपर एक एज जनरेट होने लगेगी और इसी एज को हम बोलते हैं बिल्ड अप एज चिप। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम बिल्ड अप एज भले बने लेकिन हमारी चिप्स जल्दी से रिमूव हो रही है और टाइम हमारा कम हो रहा है, तो ये हमारी होती है नेक्स्ट थर्ड चिप। चलिए फोर्थ चिप के बारे में डिस्कस करते हैं, अनयूजुअल स्ट्रेन चिप। ये हमारी क्या होती है? देखिए फेवरेबल कंडीशन फॉर अनयूजुअल स्ट्रेन चिप। अनयूजुअल स्ट्रेन चिप का मतलब देखिए यहां समझिए, जैसे वर्कपीस था और इस तरीके से हम मशीनिंग कर रहे थे तो यहां पे ये मटेरियल था, टूल था। तो अब क्या होगा, सपोज करिए कि अगर ये वर्कपीस हमारा बिल्कुल भी नॉन कंडक्टिव हो, मतलब हीट इस पर मतलब हीट कंडक्शन हो ही ना, नॉन कंडक्टिव वर्क पीस हो, है ना, ऊष्मा का बिल्कुल कुचालक हो, तो उस समय क्या होगा? देखिए ये जो चिप निकल रही थी जब कंडक्टिव वर्क पीस था तो ये वर्क पीस की जो चिप जाएगी वो भी हीट कंडक्टिव होगी, तो कुछ हीट अपने साथ लेकर जाएगी जिस वजह से ये आगे बढ़ रहा था। अगर ये नॉन कंडक्टिव होगा तो वो चिप अपने साथ हीट को ले ही नहीं जा पाएगी, और जब हीट को नहीं ले जा पाएगी तो सारी की सारी जो 100% हीट हमने आपको बताई थी वो यहीं पर कन्वर्ट होने लगेगी और वो चिप को यहाँ पे मेल्ट करने लगेगी। तो इसलिए वो चिप जो हमारी बनेगी वो कुछ इस तरीके से यहीं पर इकट्ठी होने शुरू हो जाएगी, इस तरीके से यहाँ पे बननी शुरू हो जाएगी, और इसी तरीके की चिप को बोलते हैं अनयूजुअल स्ट्रेन चिप। इसकी केवल एक फेवरेबल कंडीशन याद रखिएगा, और वो कंडीशन क्या है, यह किस तरीके के मटेरियल में बनती है, नॉन कंडक्टिव नॉन कंडक्टिव मटेरियल, जैसे एस्बेस्टस हो गया, है ना, जो ब्रेक शू हमारा बनता है बाइक में, वो सारे सब नॉन कंडक्टिव मटेरियल होते हैं। अगर उसकी मशीनिंग करनी हो तो वहाँ पे हमारी इस तरीके की चिप प्रोड्यूस होगी। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा फेवरेबल कंडीशन ऑफ चिप के बारे में कंप्लीट होता है। तो अब देखिए ये तो हमारा पूरा चिप के बारे में अच्छे से कंप्लीट होता है। अब इसके आगे हम आपको अगले लेक्चर में हम इसको शुरू करते हैं थोड़े से और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि अभी तक हमने जो लेक्चर लिया, हमने आपको टाइप्स ऑफ चिप यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ चिप के बारे में हमने बताया, तो अब हम उसी के आगे जितना मैंने लेक्चर लिया हुआ है उस लेक्चर से रिलेटेड अब तक स्टेट इंजीनियरिंग और अदर एसएससी जेई में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं तो हम लोग तुरंत उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो टॉपिक हमने पढ़ा वो टॉपिक हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और क्या उस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में एसएससी जेई में या अदर स्टेट इंजीनियरिंग में क्वेश्चन बना हुआ है या नहीं। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं उस क्वेश्चन को एक वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो जैसा देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर वन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है डक्टाइल मटेरियल प्रोड्यूस। देखिए ध्यान से देखिएगा, डक्टाइल मटेरियल प्रोड्यूस इसका मतलब है डक्टाइल मीन्स तन्य पदार्थ, प्रोड्यूस मीन्स बनाता है या बनता है। तो क्या बनता है और क्या बनाता है वो ऑप्शन से देख लीजिएगा। कह रहा है नो चिप्स, फिर कह रहा है कॉन्टिन्यूस चिप विथ बिल्ड अप एज, BUE मतलब बिल्ड अप एज, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया। फिर कह रहा है डिसकॉन्टिन्यूस चिप, और लास्ट ऑप्शन है कर्ल चिप। कर्ल चिप का मतलब घुंघराले होता है, कर्ल की हिंदी होती है घुंघराले, घुंघराले मतलब इस तरीके से ऐसी लगातार कॉन्टिन्यूस चिप बनती जाती है, जैसा कि हमने बताया था कि इसे ब्रेक करने के लिए हम लोग चिप ब्रेकर का यूज करते थे। तो चलिए आप आंसर को सॉल्व करते हैं। देखिए डक्टाइल मटेरियल प्रोड्यूस कह रहा तन्य पदार्थ में बनता है, तो तन्य पदार्थ में क्या क्या बन सकता है, अब यहाँ पे देखिएगा, जब अगर फीड और डेप्थ ऑफ कट की बात नहीं करेगा तो हमारे लिए केवल एक ही ऑप्शन बनता है कि डक्टाइल मटेरियल में हमेशा कॉन्टिन्यूस चिप बनती है। कॉन्टिन्यूस का मतलब कर्ल चिप बनती है ना। यहाँ पे देखिएगा आपको कॉन्टिन्यूस चिप विथ बिल्ड अप एज भी है, और यहाँ पे क्या है कर्ल चिप, कर्ल मतलब घुंघराले चिप है, तो हम ऑप्शन को क्या लगाएंगे,
कर्ल चिप लगा देंगे। आपको सिमिलर ऑप्शन ये भी मिलेगा, लेकिन ये कब मिलेगा, ये कंडीशनल है। जब आपका प्रेशर बढ़ाएंगे, फोर्स बढ़ाएंगे, डेप्थ आप कट बढ़ाएंगे, जब कंडीशन लगेगी तो डक्टाइल मटेरियल में बिल्डअप ये चिप बनेगी। अदरवाइज हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, कर्ल चिप। इसी को हम कॉन्टिन्यूस चिप के नाम से जानते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अच्छा पहले देखिए ये क्वेश्चन आया कहाँ कहाँ है, इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस देखिएगा। ये SSC JEE 2017 में आया हुआ है और दूसरा विजाग स्टील 2016 में आया हुआ है और UK 2013 में आया हुआ है। तो इस तरीके से UK मतलब उत्तराखंड में आया हुआ है, तो इस तरीके से तीन बार क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेगमेंटल। देखिए सेगमेंटल चिप आर फॉर्म्ड, मतलब सेगमेंटल का मतलब कल मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको कि डिसकॉन्टिन्यूअस चिप को हम लोग सेगमेंटल चिप के नाम से जानते हैं। तो डिसकॉन्टिन्यूअस चिप कब हमारी बन रही है, जब मटेरियल ब्रिटल होता है या मटेरियल डक्टाइल होता है। तो ऑब्वियसली है ब्रिटल मटेरियल में डिसकॉन्टिन्यूअस चिप बनती है। तो ये कह रहा है सेगमेंटल चिप आर फॉर्म्ड, ऑप्शन देखिए ड्यूरिंग। देखिए पहला दे रहा है माइल्ड स्टील के लिए, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि माइल्ड स्टील कैसा मटेरियल है, डक्टाइल है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस चिप बनेगी या कॉन्टिन्यूअस चिप विथ बिल्ड अप एज बनेगी। नेक्स्ट देखिए हाई स्पीड स्टील है, ये भी डक्टाइल की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट देखिए कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन एक ब्रिटल मटेरियल होता है, भंगुर पदार्थ होता है, तो यहाँ पे हमेशा डिसकॉन्टिन्यूअस चिप ही प्रोड्यूस होगी। अब देखिए ऑप्शन डी क्या था, हाई कार्बन स्टील, ये भी डक्टाइल की कैटेगरी में आता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, कास्ट आयरन। ये कहां कहां आया हुआ क्वेश्चन देखिए, NMRC 2017 में आया हुआ है और MP सब इंजीनियर मध्य प्रदेश MP सब इंजीनियर 2011 में, तो ये भी क्वेश्चन दो बार रिपीट किया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, द मटेरियल विच ऑन मशीनिंग प्रोड्यूस बिल्ड अप एज चिप। यहां बात करिए, देखिए द मटेरियल मतलब वह पदार्थ जिसमें विच ऑन, जिसमें हम मशीनिंग करेंगे तो बिल्ड अप एज चिप बनेगी। मतलब ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसपे हम मशीनिंग करेंगे तो बिल्ड अप एज चिप बनेगी। तो आपको पता है जब डक्टाइल मटेरियल में फीड और डेप्थ आप कट बढ़ा देते हैं, मतलब प्रेशर अधिक लगता है, फोर्स अधिक लगता है, तो उस समय बिल्ड अप एज चिप बनना शुरू हो जाती है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। देखिए ऑप्शन ये कह रहा है डक्टाइल मटेरियल, तो ये तो श्योर है कि डक्टाइल मटेरियल में ही बनती है, हमने आपको बताया था। नेक्स्ट कह रहा है टफ मटेरियल, तो टफ मटेरियल नहीं, आप ऑप्शन लगाइएगा डक्टाइल मटेरियल लगाइएगा। जब सिमिलर ऑप्शन मिले डक्टाइल और टफ मटेरियल, तो आप वहां पे डक्टाइल मटेरियल को सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में थोड़े से डिफरेंस होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन सी है ब्रिटल मटेरियल और ऑप्शन नंबर डी है हार्ड मटेरियल, तो ये ब्रिटल और हार्ड मटेरियल डिसकॉन्टिन्यूअस चिप प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए डक्टाइल मटेरियल। ये देखिए क्वेश्चन कहाँ पे आया हुआ है, DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन 2017 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये कह रहा है कॉन्टिन्यूअस चिप, कॉन्टिन्यूअस मतलब सतत चिप, विल बी फॉर्म्ड, कॉन्टिन्यूअस चिप बनती है, विल बी फॉर्म मतलब बनती है व्हेन मशीनिंग, जब मशीनिंग हम करेंगे स्पीड, व्हेन मशीनिंग स्पीड। अब देखिए यहां पे ये मशीनिंग स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब हम कॉन्टिन्यूअस चिप बनाएंगे तो मशीनिंग स्पीड हमारी क्या होनी चाहिए। ऑप्शन देखिएगा, यहां कह रहा है लो स्पीड, यहां कह रहा है मीडियम स्पीड, यहां पे कह रहा है हाई स्पीड, और यहां पे कह रहा है इंडिपेंडेंट स्पीड। तो हमने आपको बताया था, देखिए यहां थोड़ा सा हम रफ कर रहे हैं, ऐसा देखिएगा जब हमने आपको बताया था कि इस तरीके का मेटल होगा और यहाँ पर जब हम टूल लगाएंगे, जब हम मिनिमम डेप्थ ऑफ कट को लेंगे, ये टीथ हमारी मिनिमम डेप्थ ऑफ कट लेंगे और इस टूल की स्पीड को बहुत तेज़ी से यहाँ पर लेके आएंगे, जैसे हमने खीरे का एग्जांपल लिया था कि आप खीरे को लीजिए, थोड़ा सा अंदर दबाइए और बहुत तेज़ी से खींचिए, तो उसमें एक पतली सी छीलन मिलेगी और लगातार कॉन्टिन्यूस मिलेगी। लेकिन वहीं पर अगर आप धीरे धीरे खींचेंगे तो उस छीलन के टूटने की संभावना बढ़ जाती है, अभी मैंने लेक्चर में आपको डिस्कस किया था। तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, स्पीड बहुत ज्यादा रखनी होगी तो कॉन्टिन्यूअस चिप मिलेगी। तो देखिए ये कह रहा है कॉन्टिन्यूअस चिप विल बी फॉर्म्ड व्हेन मशीनिंग स्पीड, तो मशीनिंग स्पीड क्या रखेंगे, हाई रखेंगे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ये देखिए कहां पे आया हुआ है, छत्तीसगढ़ JEE 2008 में आया हुआ है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है इन मशीनिंग ऑपरेशन चिप ब्रेक ड्यू टू। अब ये कह रहा है जो चिप हमारी ब्रेक होती है मशीनिंग ऑपरेशन में वो किस रीजन से ब्रेक होती है, तो चलिए ऑप्शन समझते हैं कि वो क्या क्या रीजन पूछना चाह रहा है। पहला कह रहा है प्लास्टिक सिटी, दूसरा कह रहा है इलास्टिक सिटी, तीसरा कह रहा है वर्क हार्डनिंग और चौथा कह रहा है नॉन ऑफ दिस। तो मैंने लेक्चर स्टार्ट करने के वक्त ही आपको बता दिया था कि कोई भी मटेरियल अगर ये चिप यहाँ से जा रही है, मतलब कोई मटेरियल दूसरे मटेरियल को सेपरेट करेगा, तो कब सेपरेट करेगा, जब वो प्लास्टिकली डिफॉर्म होगा। अगर वो इलास्टिक सिटी होगी तो वो बार बार क्या कर लेगा, रिकवर कर लेगा। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, प्लास्टिक सिटी डिफॉर्मेशन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको नोट्स में डिस्कस भी किया था। ये क्वेश्चन देखिए कहाँ पे आया हुआ है, यूके 2013 जेई, उत्तराखंड जेई 2013 में आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉलोइंग टाइप ऑफ चिप इज प्रोड्यूस वाइल मशीनिंग। अब ये कह रहा है निम्न प्रकार की चिप बनती है जब हम मशीनिंग करते हैं, फॉलोइंग टाइप ऑफ चिप वाइल वी आर प्रोड्यूस मशीनिंग। तो ऑप्शन में देखिएगा और आगे पढ़िए, डक्टाइल मटेरियल विथ एक्सट्रीम प्रेशर इन कटिंग जोन एंड हाई लोकल टेम्परेचर। देखिए ये पूरा क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक है, क्वेश्चन बड़ा है, समझिएगा। फॉलोइंग टाइप ऑफ चिप प्रोड्यूस्ड वाइल मशीनिंग, इसका मतलब है कि निम्न प्रकार की चिप बनती है जब हम मशीनिंग करते हैं, और आगे देखिएगा डक्टाइल मटेरियल, मतलब हम डक्टाइल मटेरियल की मशीनिंग करते हैं तो निम्न प्रकार की चिप बनती है, और कंडीशन क्या लगाया, विथ एक्सट्रीम प्रेशर। अगर हम डक्टाइल मटेरियल में प्रेशर बहुत एक्सट्रीम रखें, मतलब हाई प्रेशर रखें, यानी कि फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तभी तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और डक्टाइल मटेरियल में जब हम फोर्स और प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे तो वहाँ पर हीट जनरेट होगी। तो इसीलिए इसने कहा विथ एक्सट्रीम प्रेशर इन कटिंग जोन एंड हाई लोकल टेम्परेचर। जब लोकल टेम्परेचर उसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, तो ये चिप क्या होगी, हीट होगी और मेल्ट होकर बबल या ड्रॉप के रूप में उसके टूल के ऊपर कलेक्ट होने लगेगी। इस तरीके से यहाँ पे कलेक्ट होगी तो ये हमारा क्या कहलाता है, बिल्ड अप एज कहलाता है। तो अब इस प्रकार से देखिएगा, जब इस तरीके की पूरी कंडीशन होगी तो कैसी चिप बनती है हमारी, बिल्ड अप एज बनती है। ऑप्शन ए दिया है कॉन्टिन्यूस चिप, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया है कॉन्टिन्यूस चिप विथ बिल्ड अप एज, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी डिसकॉन्टिन्यूस चिप, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी डिसकॉन्टिन्यूस चिप विथ बिल्ड अप एज, ये भी गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था, देखिए यूके जे 2013। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें कह रहा है कोर्स फीड। देखिए एक फाइन फीड होती है और एक कोर्स फीड होती है। कोर्स का मतलब फीड का मान बहुत ज़्यादा रखेंगे, फाइन का मतलब फीड का मान बहुत कम रखेंगे। तो पहले ही इसने कह दिया कि फीड हमारी कोर्स होगी, मतलब फीड अधिक होगी। यहाँ से आगे समझिएगा, कोर्स फीड लो रैंक एंगल। देखिए अभी रैक एंगल हमने नहीं डिस्कस किया है, हमारा मकसद ये था कि अभी आज तक के लेक्चर में हमने जितनी चीज़ें पढ़ाई थी उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बना है उसको हम डिस्कस कर देते हैं। रैक एंगल अभी अगले लेक्चर में हमारा चलेगा, फिलहाल अभी यहाँ पे देखिए कोर स्पीड लो रैक एंगल एंड लो कटिंग स्पीड। देखिए ऑब्वियसली है कि जब हमारी फीड बढ़ जाएगी तो कटिंग स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि फोर्स अधिक लगाना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में एंड इनसफिशियंट कूलेंट का मतलब वहाँ पे जो लुब्रिकेंट और कूलेंट जाता है हीट को डिसिपिएट करने के लिए, वो प्रॉपर कंडीशन में ना पहुँच पाता हो तो वहीं पे बोलते हैं इनसफिशियंट कूलिंग। हेल्प प्रोड्यूस, तो क्या बनाता है इन सारी कंडीशन के थ्रू, क्या बनता है, ऑप्शन ए है कॉन्टिन्यूस चिप इन डक्टाइल मटेरियल, ऑप्शन बी है डिसकॉन्टिन्यूस चिप इन डक्टाइल मटेरियल, ऑप्शन सी है कॉन्टिन्यूस चिप विथ बिल्ड अप एज इन डक्टाइल मटेरियल, और ऑप्शन डी है डिसकॉन्टिन्यूस चिप इन ब्रिटल मटेरियल। तो अब समझिए, देखिए जब हम कोर्स फीड लेंगे और लो रैक एंगल लेंगे और इनसफिशियंट कूलिंग लेंगे तो वहाँ पर देखिएगा क्या क्या कंडीशन बन सकती है। अगर ये मटेरियल डक्टाइल होगा, यहाँ पर समझिएगा, अगर ये मटेरियल डक्टाइल होगा और कोर्स फीड और स्पीड कम होगी तो वहाँ पर बनेगा बिल्ड अप एज विथ कॉन्टिन्यूस चिप। और दूसरी बात देखिएगा, अगर ये मटेरियल ब्रिटल होगा तो वहाँ पर क्या बनेगा, वहाँ पर भी कंडीशन यही फॉलो होगी, कोर स्पीड और लो कटिंग स्पीड, तो वहाँ पर हमारी कैसी चिप बनेगी, डिसकॉन्टिन्यूस चिप बनेगी।
अब दोनों ऑप्शन देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन में क्या अवेलेबल है। पहला बनेगा बिल्ड अप एज चिप इन कॉन्टिन्यूस या विथ कॉन्टिन्यूस। तो देखिए ऑप्शन ये है कॉन्टिन्यूस चिप इन डक्टाइल मटेरियल। तो कॉन्टिन्यूस चिप नहीं बनेगी, कैसी चिप बनेगी? बिल्ड अप एज चिप बनेगी, मतलब ये रॉन्ग हो गया। दूसरा देखिएगा डिसकॉन्टिन्यूस चिप इन डक्टाइल मटेरियल। तो कभी भी डक्टाइल मटेरियल में डिसकॉन्टिन्यूस चिप नहीं बनती है, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कॉन्टिन्यूस चिप विथ बिल्ड अप एज इन डक्टाइल मटेरियल। तो ये देखिएगा ये हमारा सही ऑप्शन है। अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन आप देखिएगा डिसकॉन्टिन्यूस चिप इन ब्रिटल मटेरियल। तो ये भी बनेगा लेकिन यहाँ पे इनसफिशियंट कूलिंग की जब बात कर रहा है तो वो हम डक्टाइल मटेरियल में अगर इनसफिशियंट कूलिंग करते हैं तो मोर एंड मोर प्रोबेबल हमारा ये वाला केस निकल के आता है। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि देखिए ये भी बनेगा लेकिन अगर इनसफिशियंट कूलिंग होगी तो वहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी किसकी होगी? कॉन्टिन्यूस चिप विथ बिल्ड अप एज इन डक्टाइल मटेरियल। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ था IES 2015 में, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज 2015 में 1 मार्क्स का। तो देखिए स्टूडेंट हमारा अभी तक का ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर के किसी भी स्टेट इंजीनियरिंग या SSC JEE के क्वेश्चन में आया हुआ था। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि कटिंग स्पीड क्या होती है, टूल एंगल क्या होते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ब्रेक करते हैं। अगर आपको कोई भी लेक्चर में डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, वहाँ पर आपको सोल्यूशन मिलेगा। थैंक यू।